नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है विश्व में जो सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो अक्सर जो है परीक्षा में पूछी जाती हैं, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें से जो है आपको एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व के साथ साथ हम भारत की भी बात करेंगे, तो धीरे धीरे जो है चलते हैं अपने उसकी लक्ष्य की तरफ। और तो विश्व और भारत की बात करेंगे, फिर उसके बाद जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको अगले वीडियो में लेके आएंगे, तो आप वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इसमें कोई त्रुटि होती है, कोई चीज़ मिसप्रिंट होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वो भी प्रशांत महासागर है। फिर अगला है विश्व का सबसे बड़ा सागर। विश्व का सबसे बड़ा जो सागर की बात हो रही है यहाँ पे, तो दक्षिणी चीन सागर है, याद रखिएगा। फिर विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, मैंने आपसे पूछा था, तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो मैक्सिको की खाड़ी है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जा सकती है, क्योंकि खाड़ी से संबंधित प्रश्न जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप समूह इंडोनेशिया है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, ये 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर की नील नदी है, याद रखिएगा। फिर अगला है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी। अपवाह क्षेत्र का मतलब आयतन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो नदी है अमेजन नदी। फिर है विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अमेजन की सहायक नदी कौन सी है? ये जो विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये अमेजन की सहायक नदी है, याद रखिएगा, मेडिरा। फिर अगली है, अगला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त जो है व्यापारिक नदी है वो राइन नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त नहर दोस्तों कील नहर है, याद रखना है आपको। फिर अगला है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यहाँ पे नदी द्वीप की बात हो रही है, हमने आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, ये देख लीजिए, ग्रीनलैंड है। और अगर बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो वह है माजुली, याद रखना है, ये भारत में, इंडिया में, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। विश्व का सबसे बड़ा देश रशिया है, रूस है, याद रखिएगा। और विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है, 44 हेक्टेयर में है ये टोटल, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत है, सर्वाधिक मतदाता जो है वो भारत के हैं। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश, जिसकी सीमा रेखा जो है सबसे लंबी है, वो है कनाडा। फिर दोस्तों अगला है विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश, तो सबसे ज़्यादा सीमा रेखाएं जो चीन से जुड़ी हैं, लगभग 13 देशों की सीमाएं जो हैं वो चीन चीन से जुड़ी हुई हैं। फिर अगला है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, सहारा, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, तो सहारा जो कि अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो गोबी है, ठीक है। फिर अगला है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर, तो सबसे ऊंची चोटी जो है आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला, तो पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
पामीर का पठार, याद रखना है आपको, पामीर का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। फिर अगला है विश्व का सबसे गर्म प्रदेश, तो सबसे गर्म प्रदेश जो है वो अल्जीरिया है जो कि लीबिया में है। फिर है विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है वोस्तोक अंटार्कटिका है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान, तो शुष्क स्थान जो है वो अटाकामा मरुस्थल चिली, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला इस आपकी स्क्रीन पे है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो जलप्रपात एंजल जलप्रपात आपको याद रखना है। फिर है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, यहाँ पे ऊंचाई की बात हो रही, तो ऊंचाई में एंजल है और जो बड़ा जलप्रपात है वो है गोयरा जलप्रपात, याद रखना है, सबसे बड़ा गोयरा जलप्रपात, सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात। फिर है विश्व का सबसे चौड़ा, अब यहाँ पे चौड़ा जो है जलप्रपात वह है खोन जलप्रपात, तो सबसे ऊंचा है एंजिल, सबसे बड़ा है गोयरा और सबसे चौड़ा है खोन, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर दोस्तों है विश्व की सबसे बड़ी खारी खारे पानी की झील कहाँ पे है, तो कैप्सियन सागर है, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील जो है वो लेक सुपेरियर लेक है, ठीक है, सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बैकाल झील, याद रखिएगा, आपको रखना है आपको, और ये मैंने कई बार बैकाल झील के बारे में आपको बताया भी है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो है टिटिकाका, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका है। अब चलिए चलते हैं भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो अगर हम दोस्तों भारत की बात करें, तो भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो केटू है, गाडविन आस्टिन, याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, 2525 किलोमीटर। भारत उपमहाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, गरेसोप्पा झरना जो कि कर्नाटक में है। फिर दोस्तों अगला है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, तो नेहरू सेतु बिहार जो कि सोन नदी पे है। सबसे लंबी सुरंग तो कौन सी है, जवाहर सुरंग है, जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा प्लेटफार्म कहाँ है और कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्लेटफार्म जो है विवेक एक्सप्रेस है। यहाँ पे कुछ इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, आप लोग इसका सही आंसर बताइएगा। फिर दोस्तों है भारत की सबसे तेज गति चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो कौन सी है, शताब्दी एक्सप्रेस है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है, इंडियन म्यूजियम जो कि कलकत्ता में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो पीर पंजाल सुरंग है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे सबसे लंबी सड़क सुरंग थी जो कि जवाहर सुरंग थी, ठीक है। फिर दोस्तों अगला है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर कोलकाता। फिर दोस्तों है भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, मैंने कई बार आपको बताया है, तो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44। सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है, सबसे ऊंचा बांध, ऊंचे बांध की बात हो रही है तो टिहरी बांध। सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध जो कि महानदी उड़ीसा उड़ीसा में है। और सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान जो है थार रेगिस्तान है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान। फिर अगला है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है। फिर अगला है भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है, तो गुंबद है गोल गुंबद जो कि बीजापुर में है, याद रखिएगा। फिर अगला है भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी, तो कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है। फिर भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो उलर झील है जो कि श्रीनगर में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात हो रही है तो इंदिरा सागर है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, तो यहाँ पे मूर्ति जो है अब हो गई है स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट से क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है अब सरदार पटेल की है जो कि गुजरात में है, साधुबेट द्वीप पे नर्मदा नदी के किनारे, 182 मीटर की। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में है। ये कई बार पूछा गया है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो आपको याद रखना है फतेहपुर सीकरी में।
भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानिसराम में होती है, जो कि मेघालय में स्थित है। भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? महंगा नगर कौन सा है? तो मुंबई, याद रखिएगा। फिर दोस्तों अगला है, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम तो कौन सा है? इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में है। भारत सबसे अधिक वन वाला राज्य एमपी है, मध्य प्रदेश, कई बार आपको बताया है। भारत का सबसे बड़ा कैप्टी लीवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता। भारत का सबसे बड़ी गुफा मंदिर है तो एलोरा, और जो कि औरंगाबाद में है। एलोरा की गुफाएं, एलोरा जनता की गुफाएं प्रसिद्ध भी हैं। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो लगता है वो सोनपुर बिहार में लगता है, और कई बार मैंने इसको बताया भी है आपको, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर जो है कौन सा है? रामेश्वरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, सबसे लंबी नहर की बात हो रही है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्टेडियम जो है कोलकाता में, ईडन गार्डन, युवा भारती कोलकाता में, ठीक है, याद रखिए कि यहाँ पे युवा भारती दिया हुआ है, शायद ईडन गार्डन जो है सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों अगला है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा तो स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर में है। सबसे ऊंचा टीवी टावर, जो कि रामेश्वरम में है, तमिलनाडु में। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला दक्षिण भारत राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी, जो कि बिहार में है, और जो है ये बहुत ही तबाही मचाती है। और डेल्टा नाम बनाने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा व ताप्ती हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। फिर है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, याद रखिएगा, पहले भी बता चुका हूँ। भारत ऊंचा हवाई पत्तन, सबसे ऊंचा हवाई पत्तन या हवाई अड्डा कौन सा? तो लेह लद्दाख, लद्दाख में है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों इसमें कुछ जो प्रश्न हैं वो कुछ मिसप्रिंट भी हैं और कुछ जो है चेंज भी हो चुके हैं, तो जो चेंज हो चुके हैं उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन से प्रश्न जो है गलत हैं, तो उनको मैं उसी कमेंट बॉक्स में आपको आपकी पोस्ट जो है पिन कर दूंगा, जिससे जो है सभी त्रुटि जो है वो संशोधित हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन बताए गए हैं इनमें से एक या दो क्वेश्चन जो है बिल्कुल, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लें, इनमें से एक दो क्वेश्चन जो है आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। अगर किसी प्रश्न में त्रुटि होती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और उसको जो है सही कर दिया जाएगा, संशोधित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहें। अब जो है क्या कहते हैं, एक शासनादेश जारी हो गया है, जो भी सिलेबस है वो पुराना ही रखा गया है, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक वाइज हम लोग अगले 10 दिन में पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।